सो हाय गाइस, आज डे टू है और हम लोग आज जा रहे हैं मॉन्ट्रियल और आप देख सकते हो कितना पसारा है पीछे। और ये मेरा बिट्टू, हाय बेबी, हाय एवेंजर्स। सो या वेरी नाइस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मॉन्ट्रियल, 2 hours का ड्राइव है और फिर हम लोग पहुंचेंगे मॉन्ट्रियल और फिर वहां पे देखेंगे कैसा है, नई जगह एक्सप्लोर करने को मिलने वाला है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी गाइज, नया फूड, नया प्लेस, न्यू पीपल, एवरीथिंग इज न्यू। सो लेट्स गो एंड सी हाउ इट इज, लेट्स गो गाइज। आई होप आपको अच्छा लग रहा है ये व्लॉग और आप लोग एंजॉय कर रहे हो, आप लोगों को भी कनाडा अच्छा लग रहा है, जल्दी से कॉमेंट करके मुझे बताओ कैसे लग रहा है आपको। ओके सो लेट्स गो। सबसे पहले हम लोग मॉन्ट्रियल का जो सिटी व्यू है, बैक साइड का सिटी व्यू देखने जा रहे, फिर वहाँ से हम लोग सब जगह कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये बैक साइड है सिटी व्यू का। मैं आप लोगों को फ्रंट से भी सिटी व्यू दिखाऊंगी, थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी वो वाला, बट अभी आप बैक से भी देखो, बैक साइड से भी देखो कितना अच्छा लग रहा है। और अगर ये नाइट में आप लोग देखोगे ना तो एकदम स्पेक्टेकुलर लगता है गाइज, ये नाइट में ऐसा दिखता है, बहुत ही सुपर दिखता है। हम लोग दिन में आए थे तो इतना जस्टिस नहीं कर पाए, बट रात में स्पेक्टैक्युलर दिखता है, ये सुपर दिखता है। और फिर वहाँ पे ही ये ऐसे स्टेयर्स है, मतलब ऊपर जाने के लिए, और ऊपर जाते ही यहाँ पे एक ट्रेल वॉक है, तो जिनको ट्रेल वॉक करना है वो लोग ऊपर जाके ट्रेल वॉक कर सकते हैं। हम लोग भी ऊपर गए और ऊपर जाके हमको लगा कि और व्यू सिटी का अच्छा दिखेगा एंड ऑल, क्योंकि ट्रेल वॉक करने इतना टाइम भी नहीं था और एनर्जी भी नहीं है फ्रैंकली, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी आज और इतने धूप में बहुत मुश्किल होता है गाइस। तो ये है ऊपर आने के बाद, ऐसे आप लोगों को दिखेगा एकदम ऐसे जंगल टाइप्स, और यहाँ पे ऐसे ट्रेल वॉक, मतलब वॉकिंग करना है, रनिंग करना है, जॉगिंग करना है, ऐसे ही एक्सप्लोर करना है आपको। मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं है ट्रेल वॉक करने का, क्योंकि हम लोगों को और बहुत सारे अट्रैक्शंस कवर करने हैं। तो अभी जैसे हम ऊपर आए वैसे हम अभी नीचे भी जा रहे हैं। सो गाइज, अभी हम लोग निकले हैं यहाँ से और अभी हम लोग जा रहे हैं चर्च, बहुत बड़ा चर्च है यहाँ का और मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट है बहुत। तो यहाँ पे जो आप आर्किटेक्चर्स देखोगे ना, इतने अमेजिंग है ना, बहुत ही सुपर्ब है। यहाँ पे देखो ये चर्च, नोटरडेम चर्च है यहाँ का, बहुत ही बड़ा और बहुत ही फेमस चर्च है गाइज ये, और आप देख सकते हो कितना अमेजिंग बना है आर्किटेक्चर, मतलब एकदम स्टोन बिल्डिंग और सुपर्ब दिख रहा है ये। बट जिस दिन हम आए उस दिन हम लोगों को एक्चुअली पार्किंग नहीं मिला यहाँ पे, तो इसलिए हमने सोचा कि बाद में आते हैं यहाँ पे। और अभी हम लोग यहाँ से निकल के हमने सोचा बोटानिकल गार्डन जाते हैं पहले और फिर यहाँ पे आते हैं। तो बोटानिकल गार्डन पहुँचे, बोटानिकल गार्डन, और टिकट्स ले रहे, और फिर टिकट्स लेने के बाद फिर अंदर देखेंगे कैसा है क्या है, आई होप अच्छा है। बहुत जद्दोजहद के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं यार, इतना ट्रैफिक, इतने सिग्नल, ओ माई गुडनेस, एक घंटा ट्रैवल करके आए हैं, चार स्टेप पे सिग्नल, ओ माई गॉड, इतना सिग्नल तो मैंने अपनी लाइफ में किधर नहीं देखा, जितना क्यूबल में देखा आके। सो आई होप अभी टिकट्स लेके अंदर चलते और फिर देखते कैसा है। ओके लेट्स गो। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन है बट सब फ्लावर्स मुरझा गए बेचारे, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है। चाइनीज गार्डन चल रहे, रोज गार्डन देख लिया, ओके चलो अभी चाइनीज गार्डन देखते हैं। ये तो क्यूट है यार ये, वाओ दिस इज नाइस, दिस इज सो ब्यूटीफुल। ड्रीम लेक गार्डन देखते ऐसा है क्या अंदर, लेट्स गो एंड सी। पापा, इधर पिक्चर आ गया।
तो गाइज ये चाइनीज़ गार्डन के अंदर हम लोग आ गए हैं और आप देख सकते हो कितना अमेजिंग है। एक्चुअली चाइनीज़ गार्डन ऐसे ही बने रहते हैं, आप कहीं पे भी जाओगे ना तो आपको यही उनका स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। बहुत ही सुपर्ब दिखता है, एकदम डिफरेंट रहता है और बहुत ही प्यारा लगता है। और ये ड्रीम लेक गार्डन में अभी हमने एंटर किया है और एक्चुअली अच्छा लग रहा है, जैसे फ़ोटो में था वैसे ही दिख रहा है। और यहाँ पर आप लोग लोटस भी देखोगे नीचे पानी में, बहुत सारे लोटस भी है, बहुत ही सुपर्ब है। और हम लोग यहाँ पर ये जब भी देख रहे थे तो यू नो और एक साइड में वहाँ पे फाउंटेन, वाटर फाउंटेन के जैसे कुछ तो हो रहा था, तो मैंने थोड़ा मिस किया बट मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग दिख रहा था, ये बस थोड़े सेकंड्स के लिए उन्होंने ऐसे चलाया था और बाद में ये बंद हो गया। देखो कि कितना प्यारा लग रहा है ये गार्डन। तो ये ड्रीम लेक गार्डन है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, चाइनीज़ गार्डन बहुत ही अच्छा रहता है उनका, जो ये जो आर्किटेक्चर्स डिज़ाइंस एंड ऑल सब करते हैं वो लोग, बहुत ही यूनिक लगता है, बहुत ही प्यारा भी लगता है। ये पूरा व्यू है, यहाँ से निकले और फिर नेक्स्ट था अल्पाइन गार्डन, जो ज़्यादा कुछ था नहीं, बस रॉक्स थे, बड़े बड़े रॉक ही था थोड़ा। ये शायद अल्पाइंस ऐसे ही ग्रो होते हैं, ऐसे उगते हैं, तो रॉक्स के बीच में था ये और अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस था। और फिर यहाँ पे एक वाटरफॉल भी देखने मिला जो भी बहुत ही अच्छा था, एकदम क्यूट सा छोटा सा वाटरफॉल था, तो यहाँ को बहुत मज़ा आया, हम लोगों को भी अच्छा लगा देख के। और फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठे और फिर यहाँ से निकले और फिर बहुत बड़ा है एक्चुअली ये बोटानिकल गार्डन, बहुत ही यूज है, ये लाइलैक्स का गार्डन है यहाँ पे, बट लाइलैक्स भी सब ड्राई हो गए थे। एक्चुअली धूप भी इतनी है कि ज़्यादा कुछ फूल। सो गाइज ये बोटानिकल गार्डन तो बहुत बड़ा है, अभी हम लोग यहाँ पे लाइलैक्स एंड ऑल आए हैं बट पता नहीं सब सूख गया है, आई मीन आई डोंट नो, इतना मज़ा नहीं आ रहा है। 5:30 हो गए हैं, इस गार्डन कुछ अच्छा है, अभी जापनीज गार्डन ढूंढ रहे हैं हम लोग कहाँ पे है। रियांश भी थक गया है आराम से जा रहा है। तो अभी हम लोग जापनीज़ गार्डन आए हैं, तो जापनीज़ गार्डन एक्चुअली इंटरनेट पे हमने जब इत सर्च किया था तो जापनीज़ गार्डन बहुत ही प्यारा दिख रहा था, इसलिए मुझे जापनीज़ गार्डन देखना था। बट यहाँ पे जब भी मैं आई तो मुझे एक्चुअली इतना कुछ अच्छा लगा नहीं जापनीज़ गार्डन, क्योंकि वो भी पूरा का पूरा ड्राई हो गया था। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, तो देखो ये जापनीज़ गार्डन है और ये पूरा ही सूख गया। सो जापनीज़ गार्डन वॉज अ रियल डिसअपॉइंटमेंट। सो गाइज अभी बोटेनिकल गार्डन से निकल गए हम लोग, अभी हम लोग जा रहे हैं होटल, सोचा अभी होटल जाते हैं, आधा घंटा है। या वी नीड समथिंग ऑन द वे, क्योंकि मेरे को कुछ खाना है अभी, क्योंकि मेरा सर खतरनाक दुख रहा है। सो गाइज अभी आ गए हैं यहाँ पे और अभी देखते हैं अभी क्या करना है और एंजॉय। इज इट गुड? अभी हम लोग निकले हैं होटल से बाहर, कुछ खाएंगे फिर खाने के बाद देखेंगे, एनर्जी है तो बाहर जाएंगे वरना होटल में आके सो जाएंगे, यार थक गए आज। Why so early? इसकी आंखें पूरी लाल हो गई है और बोल रहा है Why so early? क्योंकि मेरा भी सर दुख रहा है और गला भी थोड़ा दुख रहा है। तो लेट्स सी, पहले जाके अच्छा खाना खाना है मेरे को, उसके बाद डिसाइड करेंगे। गाइस अभी हम लोग खाना खाने आए हैं, मस्त बिरयानी, चिकन 65, गोभी मंचूरियन सब ऑर्डर किया और बहुत अच्छे से खाया। बट मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब लग रही थी, इसलिए फिर हम लोगों ने खाना खा के डायरेक्ट हम लोग होटल चले गए और सो गए। अब मैं आप लोगों को हाय गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? तो आज 3rd day है और अभी हम लोग जस्ट चेकआउट करके निकले हैं रूम से बाहर, और अभी जो भी कल बच्चा था जो नहीं कर पाए, कल का दिन मोस्टली हम लोग कुछ कर नहीं पाए एक्चुअली, तो आज जो भी बच्चा है वो सब कुछ आज कवर करेंगे और फिर घर चले जाएंगे। आज हम लोग का प्लान था और एक जगह जाने का किंगस्टन, बट वो हम लोगों ने कैंसिल किया है क्योंकि मेरे को भी इतना ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ी सर्दी हो गई है, जुकाम एंड ऑल, बट दैट्स ओके। और फिर आज अभी हम लोग जा रहे हैं ओल्ड मॉन्ट्रियल, राइट? हाँ, ओल्ड मॉन्ट्रियल जा रहे हैं, चर्च देखेंगे, फिर उसके बाद फेरी व्हील, ऐसे बहुत कुछ है वहाँ पे, अच्छा अच्छा अट्रैक्शन पॉइंट्स है, तो वहाँ पे जा रहे हैं और देखेंगे कैसा है। सो लेट्स गो। तो गाइस ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स आपको दिख रहे हैं, ये बैंक्स है,
और यू नो रेस्टोरेंट्स कैफेज बहुत ही अमेजिंग जगह है ये, और आप देखोगे तो एकदम यूरोप जैसे लगेगा आपको। सुपर आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स है, स्टोन बिल्डिंग्स है और एकदम पुराने पुराने बिल्डिंग्स है गाइज, ये मतलब सेंचुरी बैक, मतलब इतने पुराने बिल्डिंग्स है कि एक आए हैं चर्च और चर्च में आप देख सकते हो लाइन में खड़े हैं। और जो भी आजू बाजू में आपको दिख रहा है स्क्वायर बिल्डिंग्स, ये सब बैंक्स है, क्यूबेक बैंक्स। और अभी हम लोग लाइन में खड़े हैं और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, और अंदर जाने के बाद गाइज ये आप लोग देख सकते हो क्या स्पेक्टेकुलर व्यू है यहाँ से। ये है नोटर डैम चर्च जो सुपर्ब है, यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे ऑथेंटिक और सुपर बेस्ट चर्च है। और आप लोग भी देख सकते हो इसके जो डिज़ाइंस है एकदम इंट्रिकेट डिज़ाइंस, ब्यूटिफुली डन, मैग्निफिसेंट दिख रहा है और स्पेक्टेकुलर है, मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। लाइट्स भी इतने प्यारे हैं, डिज़ाइंस इंटीरियर इतना अमेजिंग किया है यहाँ पे कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये। और सब जगह पे कैंडल्स है और मतलब सुपर फीलिंग था, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग था। फिर यहाँ पे मैं थोड़ी देर घूमी फिरी, देखा चर्च एंड ऑल, बहुत सुपर लगा, फोटोज़ निकाले। और फिर थोड़ा प्रे किया और अभी हम लोग बाहर आ गए। और अभी हम लोग ये ओल्ड मॉन्ट्रियल जस्ट थोड़ा घूम रहे हैं, और अच्छा है ना, आप लोग पीछे से देख पा रहे हो, राइट? सो नाइस वाइब लग रहा है, जैसे यूरोप में है हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी देखते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे और घूमेंगे, और आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं। ओके चलो, लेट्स सी हाउ इट इज। तो गाइज ये ओल्ड मॉन्ट्रियल है और ये स्ट्रीट्स है ऐसे जहाँ पे आप लोग ऐसे चल सकते हो, बहुत सारे बुटीक्स है यहाँ पे और शॉप्स है, कैफेज़ है, रेस्टोरेंट्स है, पैटियोज़ है, बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे। ये स्क्वायर है यहाँ का, बहुत ही फेमस स्क्वायर है, यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स पैटियोज़ बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। और ऐसे चलने के लिए भी इतना मज़ा आ रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था यहीं पे रह जाऊँ मैं, सीरियसली इतना अच्छा लग रहा था मुझे। और ऐसे लाइन में ऐसे शॉप्स है जहाँ पे ऐसे ब्रेसलेट्स मिलते हैं आपको गले का, मतलब ज्वेलरीज एंड सब कुछ है वहाँ पे, और आप लोग ख़रीद सकते हो चाहिए तो। मतलब अमेजिंग था, बहुत ही अमेजिंग फील था, मुझे बहुत मज़ा आया, तो बेस्ट लगा। मैंने यूएस में भी इतनी प्यारी जगह नहीं देखी थी, और ऐसे लग रहा था जैसे यूरोप में ही हूँ मैं, इतना अमेजिंग लग रहा था। और मैंने बिली मतलब मुझे लगा ही नहीं था कनाडा में इतना प्यारा कुछ हो सकता है, सुपर है। और गाइज अभी ये जगह जो है ये इंस्टाग्राम रील्स के लिए बहुत ही फेमस है, आप देख सकते हो एकदम दोनों साइड में स्टोन बिल्डिंग्स है, एकदम पतली सी स्ट्रीट है और एकदम वाइब्रेंट रेड कलर के फ्लावर्स है यहाँ पे, जो बहुत ही प्यारा दिखता है, बहुत ही फेमस है और बहुत ही सुपर दिखता है। आप भी देख सकते हैं कितना, ये एक्चुअली रियल फ्लावर्स नहीं है, पेपर के फ्लावर्स है, बट ऐसे लगते हैं रियल है और एकदम वाइब्रेंट कलर्स है, वो स्टोन बिल्डिंग्स के बीच में। गाइज ये जगह इंस्टाग्राम के रील्स बनाने के लिए बहुत फेमस है, आप देख सकते हो कितना प्यारा है ना। और ये उसका एंट्रेंस है यहाँ पे, दिस इज सो नाइस। और रियांश यहाँ पे ये ले रहा है मॉन्ट्रियल का कुछ, बहुत ही सही जगह है गाइज, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सीरियसली, मतलब इतने लोग हैं, इतना हसल बसल है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। Why you so dull today? So guys, अभी ब्रेक सब हो गया है, ओल्ड माउंट कैफे भी देख लिया है, अभी हम लोग जा रहे हैं फेरी व्हील। सो अभी हम लोग को टिकट्स मिल गए फेरी व्हील के। गाइज अभी हम लोग आ गए हैं फेरी व्हील में, बैठ गए हैं यहाँ से एंटर होके, ये 20 मिनट्स का राइड है जहाँ पे ये ऊपर ऊपर जाके पूरा सिटी हमें। लेट्स गो ऑन अ राइड, लेट्स गो ऑन अ राइड। नो आई एम स्कैर्ड। यू स्कैर्ड? या व्हाई? व्हेन वी आर गोइंग अप एंड अप एंड अप, वाओ व्हाट अ मेकिंग। इसका राइड होता है और यहाँ से आप लोग ना ऊपर से ऐसे सिटी व्यू पूरा देख सकते हो, मस्त दिख रहा था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बोटिंग कर सकते हो, क्रूज़ है, इतना प्यारा दिख रहा है। नीचे से हम लोग सब कुछ इतना कवर नहीं कर सकते, बट ऊपर से जो व्यू दिखता है ना बहुत ही अमेजिंग होता है, स्पेक्टेकुलर होता है, बहुत मज़ा आया। ये राइड बहुत ही अच्छा था और एकदम मेमोरेबल राइड था ये मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत इन्जॉय किया ये फेरी व्हील राइड में। और आप लंदन में भी ऐसे लंदन आइल देखोगे, हम लोग वेगस गए थे तो वहाँ पे भी ऐसे फेरी व्हील, तो फेरी व्हील हमेशा अट्रैक्शंस में होता ही है। और
बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आप लोग बैठोगे आराम से अपने फैमिली के साथ और बहुत अच्छे से आप लोग देख सकते हो। बहुत मज़ा आया मुझे बहुत ही सुपर था। अभी हम लोग आ गए हैं बाहर और अभी देखेंगे नेक्स्ट कहाँ जाना है। अभी हम लोग जस्ट फेरीविल से बाहर आ गए गाइज, और यहाँ पे देखो कितने सारे एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए। ओ माई गॉड, दिस इज़ लाइक अमेजिंग। बच्चों को देखो यार, क्या सही कर रहे सब लोग। ओ वाव यार, अमेजिंग अमेजिंग किड्स। ये देखो वहाँ पर, तो देखो यहाँ पे देखो। ओ माई गॉड, दिस इज सुपर्ब। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज थे यहाँ पे बच्चों के लिए। देखो उसका, हाँ खतरों के खिलाड़ी है तो। हाँ माय गॉड, लुक एट दिस, खतरों के खिलाड़ी। रियाज विल यू डू? रियाज के साथ रियाज पप्पा को भी जाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, देखो कितना, सी हाउ शी इज ट्राइंग, लुक एट हर एफर्ट्स। ओ वाओ, लुक एट हर एफर्ट्स, वाओ अमेजिंग अमेजिंग। बहुत मजा आया आज, सुपर था, इतना अमेजिंग एंजॉय किया ना आज, सुपर दिन था। सो एंजॉयड अ लॉट लॉट लॉट। आई होप आपको भी मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और अभी हम लोग जा रहे सिटी व्यू देखने। ओके, खत्म नहीं हो गया है वो ब्लॉग, सो लेट्स गो गाइस। तो ऐसा है, वहाँ पे गाड़ी पार्क करके फिर आगे जाना है, 15 मिनट का वॉक है। कल के बोटेनिकल गार्डन से तो आज यहाँ पे अच्छा है फूल, सीरियसली कल का बोटेनिकल गार्डन में भी इतने फूल नहीं थे जितना यहाँ पे है। वाओ, दिस इज अमेजिंग गाइस, सुपर। सुपर गाइस, लुक एट दिस व्यू। आहा, सही है यार। ए बाबा स्लो रे आज। यस, नो क्लाइंबिंग। ओके, हाय गाइस, तो अभी हम लोग आ गए हैं वापस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा देख के। मॉन्ट्रियल बहुत ही खूबसूरत है, मॉन्ट्रियल एक्चुअल में। और गाइज यार प्लीज़ एक लाइक तो बनता है यार, इतनी अच्छी जगह मैंने आप लोगों को दिखाई है। आई होप आपको भी बहुत मज़ा आया होगा, अच्छा लगा है। अगर चाहते हो और ब्लॉग्स बनाऊँ मैं तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं बनाऊँगी। 6 घंटे का रास्ता है एक्चुअली, तो हम लोग अभी 7:30 को निकल रहे, तो रात को 2 बजे ऐसे हम लोग घर पहुंचेंगे। Oh my God, बस भगवान ठीक से हम लोग घर पहुंचा दो। Yeah, 2 o'clock in the night. सुबह हम लोग 8-9 बजे कुछ निकले हैं बाहर, और 12 घंटे घूमने के बाद अभी सुपर मजा आया है, थक गए हैं। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, हर एक मेरे वीडियो पे, हर एक कमेंट्स आप लोग जो छोड़ते हो, बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे वो पढ़ के। सो थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, आई लव यू गाइस सो मच, एंड सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस।